चीन को हर कोई अपने अपने स्तर पर जवाब दे रहा है, क्योंकि अगर चीन पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो उसे रोक पाना फिर नामुमकिन सा होगा। तभी पहला बार चीन को आर्थिक स्तर पर ही देना होगा, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने बड़ा काम करके दिखा दिया है, जो चीन को कमजोर करने के लिए काफी है। दरअसल एक सकारात्मक विकास में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए 5 साल के लक्ष्य को सिर्फ 3 वर्षों में ही सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के क्षेत्र में 3 साल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। ये लक्ष्य जो सरकार के सत्र के अंत तक पूरा होना था, अब 2021 शुरू होने से पहले ही यानी कि 3 वर्ष में ही पूरा हो चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से लगाई गई नीतियों के कारण दक्षिण कोरिया, ताइवान और अन्य देशों की कई कंपनियों ने यहां निवेश करने में रुचि दिखाई है। इसका स्पष्ट उद्देश्य होगा चीन का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पर से वर्चस्व को तोड़ना, जिसमें स्पष्ट रूप से भारत के साथ साथ ताइवान की कंपनियों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि योगी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि क्योंकि जो भी कंपनियां चीन की गुंडागर्दी से तंग आकर चीन से बाहर निकल रही हैं, वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करें। यही कारण है कि जर्मनी की फुटवेयर कंपनी से लेकर सैमसंग तक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। यहां हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट कमिश्नर आलोक टंडन ने कहा है कि हमें 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य हासिल करना था और 2022 तक 3 लाख लोगों को रोजगार देना था, लेकिन इसे 2 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है। राज्य की आकर्षक नीतियों की वजह से 30 निवेशक इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए तैयार हुए हैं। समय से पहले ध्यान देने से आज उत्तर प्रदेश में वो मुमकिन हो सका है जो शायद पहले सपना ही लगता था, और अब उत्तर प्रदेश चीन को सीधी चुनौती दे रहा है।